स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन तो देखिए, जिस तरह से फर्टिलाइजेशन एक मेल इवेंट होता है, इसी तरह से पॉलिनेशन भी मेल इवेंट होगा। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगी तब तक फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल है। यहाँ पे आप लोगों ने मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ा था, जिसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, जो मेल गैमेट होता है, जो मेल गैमेट होगा वो भी क्या होता है, नॉन मोटाइल हुआ। मेल गैमेट भी क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। देखिए यहाँ पे नॉन मोटाइल होगा, और जो फीमेल गैमेट होगा ये भी क्या होता है, नॉन मोटाइल होगा। फीमेल गैमेट इज ऑल्सो नॉन मोटाइल। तो अगर फर्टिलाइजेशन होनी है तो इस फीमेल गैमेट को मेल गैमेट से क्या होना पड़ेगा, मेट होना पड़ेगा। तो देखिए, मेल गैमेट जो होता है वो ट्रांसफर होता है किसके पास, फीमेल गैमेट के पास। देन उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो ट्रांसफर होता है मेल गैमेट का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जो मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन हो जाएगी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो देखिए, जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अब देखिए, पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरह से हो सकता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पे देखिएगा, फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड द सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए ये होता क्या है, सेल्फ का मतलब क्या होगा, सेल्फ का मतलब होगा ओन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का वो सेम फ्लावर में ही होता है। सेम फ्लावर में क्या होता है, जब पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब क्या होता है, अलग अलग प्लांट में जब पॉलिनेशन होता है, या फिर एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, तब उसको क्या क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे देखिएगा, सपोज ये क्या है, एक प्लांट है, ये देखिएगा यहाँ पे, ये क्या है, प्लांट है। इसमें क्या है, ये एक ही फ्लावर में, ये क्या है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यहां पे देखिएगा, बाइसेक्सुअल जितने भी फ्लावर होते हैं उनमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहां पे देखिएगा, ये क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे एंथर से स्टिग्मा तक जब पॉलिनेशन होती है, एंथर टू स्टिग्मा तक जब पॉलिनेशन होती है सेम फ्लावर पे, तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, इस तरह के पॉलिनेशन को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। बट यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, एक ही प्लांट है बट अलग अलग फ्लावर है, एक ही प्लांट है बट फ्लावर क्या है, अलग अलग है। तो ये जब इनमें, जब फ्लावर इनमें क्या होता है, एक ही प्लांट के अनदर फ्लावर में क्या होता है, जब पॉलिनेशन होता है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग प्लांट प्रेजेंट होंगे, अलग अलग प्लांट प्रेजेंट होंगे और उसमें क्या होंगे, डिफरेंट फ्लावर होंगे, इनके बीच में जब पॉलिनेशन होगा तो इसको भी क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। अब देखिए आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ पॉलिनेशन। देखिए, टाइप ऑफ पॉलिनेशन देयर आर थ्री टाइप ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट इज ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। सेकेंड इज गिप्नोगैमी, एंड द लास्ट वन इज जीनोगैमी,
गैमी। तो यहाँ पे देखिए ऑटोगैमी, गिट्टोगैमी, जीरोगैमी, ये तीन तरह के पॉलिनेशन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2020 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और डबल फर्टिलाइजेशन भी आया था जो कि इस चैप्टर में है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए ऑटोगैमी, गिट्टोगैमी और जीरोगैमी तीन तरह के पॉलिनेशन होते हैं। ऑटोगैमी क्या होता है, देखिए ऑटो का मतलब ये होता है क्या, सेल्फ। ऑटो का मीन्स क्या होगा, सेल्फ। तो देखिए द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। तो देखिए जब सेम फ्लावर पे पॉलिनेशन होती है, जब सेम फ्लावर पे जब पॉलिनेशन होती है, तब इस तरह की पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं। यहाँ पे एक प्लांट सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या है, एक प्लांट है, यहाँ पे ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, एंड ये ठीक है, ये फ्लावर प्रेजेंट है। अब देखिए ये जो फ्लावर है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसी में क्या है, ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। तो एक प्लांट के एक ही फ्लावर पे, एक प्लांट के सेम फ्लावर पे, ये अलग अलग फ्लावर नहीं होंगे, सेम फ्लावर पे ही जब क्या होता है, पॉलिनेशन होती है। यहाँ पे देखिए सेम फ्लावर पे ही क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे। तब एंथर से लेके स्टिग्मा तक जब पॉलिनेशन होती है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद देखिए फीचर्स के बारे में इसकी बात करते हैं। कुछ फीचर्स होते हैं, दो तरह के फीचर्स जरूरी है अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। तो सबसे पहला फीचर होता है इसमें सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन। देखिए सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब ट्रांसफर पॉलन ग्रेन की ट्रांसफर हो रही होती है, जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा होता है एंथर से, तब क्या है, फीमेल क्या होना चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए, मतलब कि फीमेल पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना पॉलिनेशन ऑटोगैमी वहां पे पॉसिबल नहीं होगी। तो सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव होना चाहिए, अदरवाइज ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं होगी। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहेंगे, सिंक्रोनाइजेशन। और दूसरा फीचर क्या होता है, दूसरा फीचर ये होता है कि जब पॉलिनेशन हो रही होती है, तो स्टिग्मा और एंथर को क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोज टू ईच अदर। दोनों जो फ्लावर है, दोनों जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं, उनको क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। तो दो तरह के फीचर्स होते हैं इसमें, सिंक्रोनाइजेशन जिसमें स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए, और दूसरा क्या है, स्टिग्मा और एंथर को एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए, तभी वहां पे क्या है, ऑटोगैमी पॉसिबल हो सकती है। अब देखिए जो ऑटोगैमी है वो दो तरह के फ्लावर में क्या होता है, पॉसिबल हो सकता है। दो तरह का फ्लावर कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखिएगा जो वायोला और ऑक्सैलिस होता है, वायोला एंड ऑक्सैलिस, ये दोनों तरह के फ्लावर को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। दोनों तरह के फ्लावर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसमें दो तरह के फ्लावर होते हैं, कौन कौन सा, चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस एंड क्लेस्टोगैमस, क्लेस्टोगैमस। देखिए क्या होता है, चेस्मोगैमस एंड क्लेस्टोगैमस, चेस्मोगैमस का मतलब होता है जब क्या होंगे, फ्लावर एक्सपोज होते हैं, फ्लावर एक्सपोज होंगे। फ्लावर एक्सपोज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जनरली बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात की जा रही है। फ्लावर एक्सपोज होने का मतलब है जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होंगे, ओपन होंगे। जब ओपन होंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा, जब ओपन होगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो यहाँ पे ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, मतलब कि कोई और फ्लावर आके यहाँ पे क्या कर सकता है, पॉलिनेशन कर सकता है। तो इसमें दोनों तरह के पॉलिनेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर क्रिस्टोगैमस की बात करें, तो क्रिस्टोगैमस में क्या होता है, फ्लावर आर नॉट एक्सपोज, मतलब कि फ्लावर क्या होते हैं, एक्सपोज नहीं होंगे। ये जैसे कि आपने बर्ड लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, अंदर क्लोज होते हैं, और उसी में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो इसमें क्रिस्टोगैमस में कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही क्या है, पॉसिबल है। बट
चेस्मोफ्लेवस में क्या होता है, फ्लावर एक्सपोज होने की वजह से दूसरे जो फ्लावर होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, पॉलिनेशन इसमें कर सकते हैं। देखिए गिल्टो गाय में क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखिए गिल्टोगैमी में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, प्लांट क्या होंगे सेम होंगे बट फ्लावर क्या होगा दूसरा होगा। यहाँ पे जैसे कि सपोज ये क्या है, प्लांट है, एक प्लांट है और एक ही प्लांट पे क्या है, ये एक फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर प्रेजेंट है, तो यहाँ से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन होती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच में जब क्या होती है पॉलिनेशन होती है, तब इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, गिप्टनोगैमी। प्लांट क्या है सेम है बट फ्लावर क्या है अनदर है, तो इस तरह के जो पॉलिनेशन होते हैं इसको क्या कहेंगे, गिप्टनोगैमी। अब देखिए यहाँ पे गिप्टनोगैमी क्या होता है, जेनेटिकली तो क्या होता है, जेनेटिकली जो होगा इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है बट फंक्शनली क्या होता है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है। कैसे, देखिए फ्लावर यहाँ पे आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है, सेम प्लांट, प्लांट क्या है ये सेम होता है, तो प्लांट अगर सेम है तो जीन्स भी क्या होंगे सेम होंगे। ये फ्लावर और ये फ्लावर जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है वो एक ही फ्लावर से क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक ही प्लांट से सॉरी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनमें क्या होगा जीन्स क्या होंगे सेम होंगे। तो जेनेटिकली ये क्या होता है, जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है बट फंक्शनली ये क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है क्यों ऐसा होता है कि गिप्टोगैमी को, गिप्टोगैमी जेनेटिकली क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं ज़िनोगैमी पे, ज़िनोगैमी पे। तो देखिए ज़िनोगैमी क्या है, ज़िनोगैमी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। जब अलग अलग प्लांट में क्या होता है पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, ज़िनोगैमी। फॉर एग्जांपल पपाया ये क्या होता है, ये पपाया है का प्लांट है जिसमें क्या होता है अलग अलग मेल और फीमेल पार्ट क्या होते हैं रिप्रोड्यूस होंगे और इसमें इस तरह के जो पॉलिनेशन होते हैं अलग अलग प्लांट पे जब अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, ज़िनोगैमी। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन।